Good morning, dignitaries, ladies and gentlemen. On behalf of the Department of Agriculture and Cooperation, I'd like to welcome you all to the presentation ceremony of the Krishi Karman Awards for the year 2011 2012. The Krishi Karman Awards were instituted in the year 2010 2011 to reward the best performing states in the production of total food grains. As well as individual crops such as rice, wheat, pulses, and coarse cereal. The basic purpose of these awards is to motivate states to make extra efforts to enhance production and productivity of food crops so as to ensure adequate food protection for meeting the demand of our ever growing population. We are very privileged to have with us the Honorable President of India, Sri Pranab Mukherjee, to give away the prestigious awards. This will provide great encouragement and inspiration to our farming community to continue their tireless efforts towards ensuring food security for the nation. I now request Sri Tariq Anwar, Honorable Minister of State for Agriculture, to present a formal welcome address. Mania आमंत्रित राज्यों के मुख्यमंत्रीगण एवं कृषि मंत्रीगण केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार सरकारों के अधिक अधिकारीगण आमंत्रित किसान भाइयों देवी और देव दे, राजसनों आज हम यहाँ अपने उन राज्य राज्यों और किसान भाइयों का कृषि कर्मन पुरस्कार के से सम्मानित और पुरस्कृत करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने वर्ष 2011 2011 हज़ार में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन किया है कृषि कर्मन पुरस्कार के की शुरुआत वर्ष 2010-11 में हुई जिसके कारण राज्यों में अच्छे उत्पादन के लिए कंपटीशन की भावना आई है ये बड़े हर्ष और गर्व दोनों ही की बात है कि इस साल इन पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है मैं राष्ट्रपति जी का इस अवसर पर स्वागत करता हूं तथा आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस समारोह की गरिमा और महत्व को और बढ़ा दिया है राष्ट्रपति जी शुरू से ही कृषि क्षेत्र के विकास के हिमायती रहे हैं एवं मुझे पूरा भरोसा है कि देश के कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों को जानकर वो अत्यंत खुश होंगे मैं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी का भी इस सभा में स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपनी दिशा निर्देश से कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसे नवीन कार्यक्रमों की शुरुआत की जिसके कारण हमारे देश में कृषि का अभूतपूर्व विकास हुआ एवं किसानों को आय में वृद्धि हुई मैं सभी मंत्रियों, कृषि मंत्रियों एवं राज्य सरकार से आए हुए अधिकारी गण का अभिनंदन करता हूं। जो इस समारोह में उपस्थित हुए हैं आप सभी के लिए यह एक गौरवपूर्ण अवसर है जबकि आप अपने राज्य के लिए ये पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं मैं आठ विभिन्न राज्यों से आए हुए पुरस्कृत किसानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने अपने राज्य में वर्ष 2011-12 दौरान बेहतरीन योगदान किया है मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2011-12 में खाद्यान्न का अधिकतम उत्पादन हुआ है जो अब तक का रिकॉर्ड है इसके लिए मैं राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों एवं किसान भाइयों और बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ जिनके प्रयासों के बिना इस रिकॉर्ड को हासिल करना संभव नहीं था मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी हम हमारे किसान मित्र एवं राज्य सरकारें इस तरह प्रयास करते रहेंगे जिससे हमारे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा बनी रहेगी मैं एक बार फिर हमारे राष्ट्रपति महोदय एवं अन्य गण्यमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस समारोह को गौरवान्वित किया है मैं इस अवसर पर उन लाखों खेतीहर मजदूरों को सलाम करना चाहता हूं, जिन्होंने योग जिनके योगदान के बिना ये उपलब्धियां संभव नहीं थीं धन्यवाद जय हिंद आई नाउ रिक्वेस्ट द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्री शरद पवार जी to felicitate Honorable Rashtrapati Ji with a bouquet and a shawl. I would now like to request the Honorable Union Minister for Agriculture and Food Processing Industries, Sri Sharad Pawar to address the gathering.